हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं पीएम पिक्सेल्स एंड ब्लॉग्स और मेरा नाम है अंबिका प्रसाद मिश्रा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से, दो दिन से मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूं जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूट्यूब के जितने सारे वीडियोस है वो हो जाएंगे डिलीट और हम लोग के जितने सारे चैनल है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं आर्टिकल 13 के ऊपर। यहाँ दोस्तों, यूट्यूब के फोरम में कुछ ऐसा निकला है कि आर्टिकल 13 जिसको हम बोल रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि हम लोग के वीडियोस जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 13 क्या है और असल में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोला था आर्टिकल 13 के बारे में, आर्टिकल 13 क्या है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो उल्टा सीधा वीडियोस मतलब कुछ भी कर बोल के आपको डरा रहे हैं, तो आप दोस्तों सबसे पहले बिल्कुल मत डरिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, आर्टिकल 13 जो है वो ऑफिशियल फोरम जो यूट्यूब का है उसमें आर्टिकल 13 के बारे में कुछ बताया गया है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आर्टिकल 13 की, वो ये जो रूल है ये यूरोप में लागू हो चुका है। तो दोस्तों, ये रूल का मेन मकसद ये है कि हम लोग पहले क्या होता था यूट्यूब में, 3-4 साल पहले जब जियो नहीं आया था इंडिया में, तो पहले क्या होता था कि लोग कुछ भी मतलब फिल्म का कुछ पार्ट या कुछ भी स्टेज शो वगैरह या कुछ भी मतलब कहीं से भी उठा के अपने चैनल में अपलोड कर लेते थे और उसमें व्यूज गेन कर लेते थे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो लेकिन दोस्तों, अभी हो चुका है, 2018 खत्म होने को आया है, 2019 शुरू होगा। तो अभी अगर आप एक नए यूट्यूबर है या नया मतलब नया नया चैनल खोले हैं या वीडियोस अपलोड कर ले हैं रेगुलरली, तो मेरा सबसे एक सजेशन दूंगा मैं आप सबको कि आप कहीं से भी अभी कॉपीराइट कंटेंट कुछ भी यूज मत करिए, क्योंकि अभी एक आ गया है चीज़ कॉन्टेंट आईडी। अगर आप किसी अभी कॉन्टेंट डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो तुरंत उसको पता चल जाएगा और वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्ट्राइक की बात। और जो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 13 के बारे में, उससे दोस्तों ये चेंजेस अभी आया है कि अगर अभी आप थंबनेल में अपना जो थंबनेल बनाते हैं वीडियो का, उसमें अगर आप दोस्तों गूगल से कोई भी फ़ोटो डाउनलोड करके उसमें लगा के इंस्टॉल करें, मतलब वो फ़ोटो आपका नहीं, समझ रहे हैं, सपोज आप OnePlus 7 के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आपने Google.com खोला, OnePlus 7 का एक फ़ोटो डाउनलोड कर लिया, उसको अपने OnePlus 6 का एक फ़ोटो डाउनलोड कर लिया, उसको अपने थंबनेल में लगा लिया, तो दोस्तों आपको पता होगा कि वो फ़ोटो आपका नहीं है, ऑब्वियसली कॉपीराइटेड कंटेंट है। अगर आप उसको अपने थंबनेल में यूज़ करते हैं तो आपको शायद परेशानी हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन दोस्तों, ये जो रूल है ये अभी यूरोप में लागू हुआ है, इंडिया में लागू हुआ नहीं है। तो दोस्तों, अगर इंडिया में लागू होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, ये जो रूल है अगर लागू होता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों, अभी के लिए डरने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे भाई जो है वो बोल रहे हैं कि हम लोग का यूट्यूब का वीडियो जो है वो डिलीट हो सकता है। दोस्तों, आप ही बोलिए, यूट्यूब में लाखों लाख करोड़ों वीडियोस है, अभी यूट्यूब खुद तो मतलब हर वीडियो को डिटेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकता ना। और सबसे मेन चीज़ जो है ये जो रूल है ये इंडिया में लागू ही नहीं हुआ है। दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से वीडियो अपलोड करें, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो पैनिक मत होइए, मतलब मेरा ये सबसे जो क्रिएटर्स हमारे हैं यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, मेरा उन सबसे ये गुजारिश है कि पैनिक क्रिएट मत करिए यूट्यूबर्स के बीच में, बिकॉज काफ़ी सारे नए यूट्यूबर्स जो है वो डेली ज्वाइन करते हैं और काफ़ी लोगों का घर भी चलता है यूट्यूब से। तो पैनिक क्रिएट मत करिए और ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहिए, न्यू कंटेंट लाते रहिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल बटन को। तो दोस्तों, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।